ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और खुसूसन चीफ जस्टिस साहब ये काम बहुत अच्छा करते हैं कि कराची को उन्होंने मौजू बनाया है और कराची के हवाले से उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें थीं उनको वो सामने लेकर आए हैं और उनकी ख्वाहिश है जिसका वो बार बार इजहार कर रहे हैं कि कराची को उसकी असल की तरफ हम लौटाएंगे और कराची को डेवलप होना चाहिए और कराची में जो नाजायज़ तजावजात हैं उनका खात्मा होना चाहिए। और इसके अलावा भी पानी के मसले पर, सर्कुलर रेलवे पर और इसी तरह ट्रांसपोर्ट पर, बसों पर वो अपने बार बार ख्यालात का इजहार भी फरमा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि अमली दुनिया में जो फैसले इस वक्त उनकी तरफ से सामने आते हैं जिसमें ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि दो दिन के अंदर फ़लाँ जगह को तोड़ दिया जाए और फ़लाँ दुकानों को ख़त्म कर दिया जाए, तो बग़ैर किसी प्रायर नोटिस के और उन लोगों को कि जिन्होंने सरकारी कागजात देखकर और छान पटक करके महकमों की अगर आखिर में कोई जगह ख़रीदी है, कोई मकान ख़रीदा है, कोई दुकान ख़रीदी है, तो किसी भी तौर पर कानून इस बात की इजाज़त तो नहीं देता कि आपकी अगर रियासत की ज़रूरत भी हो उस जगह की, मफाद आम्मा के लिए रियासत को बाज़ुकात उन जगहों की ज़रूरत होती है, तो उस ज़रूरत के तहत भी एक बातचीत होती है, कोई कंपनसेशन तय होती है, कोई लैंड जो एक्वायर की जाती है उसका एक ज़ाब्ता मौजूद होता है और उसके नतीजे में लोग अपनी चीज़ों को फ़रोख करते हैं। ये ज़मीनें के जो अगर नाजायज़ इनके ऊपर तजावजात हैं और यकीनन हैं, तो वो नाजायज़ तजावजात को जायज़ सिंध गवर्नमेंट, KMC और इन तमाम इदारों ने करार दिया और एंड यूज़र ने, आखिरी जो बंदा था जिसने ख़रीदा, उसने तो वो कागजात देखकर ख़रीदा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो नाजायज़ जगह पर ये सारी जालसाजी की गई है तो असल टारगेट तो वो लोग होने चाहिए जिन्होंने ये जालसाजी की है। गुज़िश्ता 30-40 साल में कराची में ये सारे काम बड़े पैमाने पर हुए हैं और इन कामों को करने में ब्यूरोक्रेसी शामिल रही है और इन कामों को करने में जो सियासी तौर पर लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं, पार्टियाँ, उन्होंने भी अपना पूरा किरदार अदा किया है। लिहाजा सिर्फ ये कहकर मसला हल नहीं किया जा सकता कि जो जगह बन गई है उसको तोड़ दिया जाए। इसलिए हम मुनासिब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में के चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में यह अर्ज़ करें कि आप यकीनन जो काम कर रहे हैं कि नाजायज़ तजावजात को पॉइंट आउट करते हैं बिल्कुल दुरुस्त है, उनको डिमोलिश करने का जो आपका फ़ैसला है वो भी दुरुस्त है, लेकिन तमाम जाब्तों को, तरीक़ों को और लोगों की कंपनसेशन को बुरुएमल लाया जाए।